साथियों, आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि भारत सरकार ने तीन कानून बनाए और ये कानून बिना बहस के संसद से पास कराए गए हैं। संसद सदस्यों को इसके लिए संसद के अंदर रात में धरना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने उनकी एक बात नहीं सुनी, जबरदस्ती कानून बना दिया। और ये कानून क्या है आप समझ लीजिए। पहला कानून है कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम। इसको पढ़ने से लगेगा कि संवर्धन, सुविधा, अच्छा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं किसान को हमने मुक्त कर दिया, आप जहां चाहे वहां जाके अपना सामान बेचे। लेकिन इस देश की हकीकत है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम कहीं नहीं मिलता है। 1860 रुपए धान और गेहूं का सरकारी रेट है खरीद का, लेकिन बाजार में 15 रुपए, हमने सुना है कि 10-11 रुपए तक जो है रेट गिरा हुआ है ना, तालाबंदी के समय में 10-11 रुपए तक गिर गया। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे, वो उसको दाम मिलता नहीं है, दलाल के हाथ कम रेट पे बेचता है। और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि अब हमने मुक्त कर दिया, तो ऐसे लगता है कि अब किसान कहीं भी जाके कितने भी रेट पे बेच ले, लेकिन कैसे उसको रेट मिलेगा जब व्यापारी उसको रेट देगा ही नहीं। और अब जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो और भी रेट गिरा देंगे, ठीक है, तब किसान कहां जाएगा। तो हम लोगों का कहना है कि जब मंडी रहेगी, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, तो किसान कम से कम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है भाई। तभी तो हम और अनिल जी जाके विधानसभा के सामने पे अनशन पे बैठ गए कि इसको लागू कीजिए। लेकिन जब मंडी खत्म हो जाएगी, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, तो आप किसके लिए लड़िएगा? आप कंपनी के खिलाफ थोड़ी ना लड़ सकते हैं। हम लोग तो बनारस में कोका कोला के खिलाफ आंदोलन किए हैं, 2 बार जेल गए, लेकिन कोका कोला कंपनी को बंद कराना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो जितना बड़ा कंपनी होगा उसके खिलाफ लड़ाई उतना ही मुश्किल है। कोका कोला सारा पानी निकाल के बेच के ले जा रहा है, पानी का बोतल बाजार में 20 रुपए में बिक रहा है। किसान की मांग है कि हमारी लागत का 1.5 गुना आप कीमत दे दीजिए, मतलब जितना हम खर्च कर रहे हैं खेती में उसका 1.5 गुना दे दीजिए। पानी का बोतल जो है 1.5 रुपए का बनता है, इससे ज्यादा उसमें जो खर्च लगाता है कि वो भी आप देने को तैयार नहीं। एक तो कानून ये है, दूसरा कानून ये है कि किसान शिक्षक है कि आप निजी कंपनियों को खेती करने की छूट दी जाएगी। आप बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आपसे अनुबंध करेंगी कि आप अपना खेत हमको दे दीजिए। और चीज उसको चाहिए तो वो उगाएगी और वो रेट तय करेगी किस रेट पे मिलना है। और अगर आपको कर्ज चाहिए तो वो भी कंपनी देगी, बोलेगी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम ही से ले लो। यानी पूरी तरह से आपको अपने बंधक और आपको आंदोलन हुआ था जहां गांधी जी गए थे, अभी बोलेंगे गौतम कुमार पीतम जी, ये चुनाव लड़े हैं अभी बिहार में, तो इनके राज्य में वो जगह है चंपारण जहां पे अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो पहले कंपनी बना के आए थे, आपको याद है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद इस देश पे कब्जा कर। तो वो बंगाल और बिहार के किसानों को कहते थे कि हमें नील चाहिए, नील की खेती कराते और रेट वो देते थे, और वो रेट इतना कम था कि वहां का किसान इतना परेशान हो गया कि उसको गांधी जी को बुलाना पड़ा कि आइए हमारे क्षेत्र में और यहाँ पे आंदोलन कीजिए। और गांधी जी जब पहुंचे वहां मोतिहारी, जो वहां का रेलवे स्टेशन है, तो
वहां पूरी जनता उमड़ी हुई थी और वहां के कलेक्टर ने गांधी जी को कहा कि आप वापस जाइए, आप किला छोड़िए, और गांधी जी नहीं गए, वहां पे डटे रहे और पूरा आंदोलन हुआ। उसके बाद अंग्रेजों के साथ समझौता हुआ और उसका जो है रेट बढ़ाया गया और किसान के ऊपर जो जाति हो रही थी उसको जो है कम किया गया। तो किसान उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिसमें चंपारण का किसान था, जिसमें कंपनी बताएगी क्या खेती करना है और कंपनी ही रेट देगी, आप अपने मन के हिसाब से खेती नहीं कर पाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जब आ जाएंगी। और तीसरा जो है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कालाबाजारी। कालाबाजारी क्या होती है बताइए, कालाबाजारी का मतलब क्या? जो कोटे का अनाज मिलता है ना, कि दिया जाता है उसको कालाबाजारी। नहीं, कालाबाजारी ये होती है कि हम जितना अपने घर में गोदाम में रख सकते हैं, जब उससे ज्यादा रखेंगे, ठीक है, और बाजार में जब रेट ज्यादा है तब उसको नहीं निकालेंगे, जब रेट कम है तब नहीं निकालेंगे, जब रेट ज्यादा हो जाएगा तब निकालेंगे, ठीक है, ये कालाबाजारी। तो सरकार का नियम है कि आलू, प्याज, अनाज, तेल, ये सब आप उसका सीमा तय है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते कोई भी व्यापारी, उससे ज्यादा रखेंगे तो उसको कहा जाएगा कालाबाजारी। तो ये मोदी सरकार इतनी चालाक है कि ये जितना भ्रष्टाचार होता है उसको सब ये वैध बना रही। उसने कह दिया कि अब कोई सीमा नहीं रही, अब कालाबाजारी खत्म। कालाबाजारी कैसे खत्म? कि जो सीमा लगाई गई थी वही खत्म कर दिया, अब चाहे जितना भरो अपने भंडार, अब उस पर कोई जुर्माना नहीं। तो जब कोई सीमा ही नहीं है, जब कोई जुर्माना नहीं, तो कालाबाजारी भी नहीं, अब चाहे जितना व्यापारी रखे अपने गोदाम में। राजनीतिक दल को चलना चाहे तो अपने मुनाफे .5% की कोई भी कंपनी अपने मुनाफे ले सकती, और जो बताना होता था कि हमने कितना चंदा किस पार्टी को दिया। और नरेंद्र मोदी की सरकार सीमाएं नहीं खत्म की और किसको दिया अब, लेकिन लोग ये सब समझी का बंदे बना, है ना, ठीक है। और देखो को बचाने का काम करती है, साथ बर्बाद नहीं करती। हम लोग के मित्र है प्रोफेसर चाहने के लिए जान दे दी, उन्होंने मर गए 2018 में 12 दिन का अंश। गाय बचाएंगे इंद्र ले, उसके लिए कानून बनाएंगे, किसी को पीट रहा है उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान ना बन जाए, ईसाई ना बन जाए, इसको रोकने के लिए कानून लाए, ठीक है। तो ये इस तरह की सरकार है कि जो जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना देती है। आखिर हमारे समाज में कितना हिंदू मुस्लिम शादी होता है, बहुत खोजिएगा तो जाके कहीं पूरे इलाके में एक दो कोई निकलेगा। उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, कि कानून इसके लिए बनाने की जरूरत है कि औरत के ऊपर अत्याचार ना, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। कानून तो है लेकिन कानून को लागू नहीं करते हैं ठीक से, उसको रोकने के लिए, औरतों के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन ये जो है इसके लिए कानून बनाते हैं, राम मंदिर के लिए जो है प्रधानमंत्री जाके वहां पे अयोध्या में शिलान्यास करते हैं, लेकिन किसानों के अधिकार को छीन के और कंपनियों को कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो इसके लिए कानून बनाते। तो आप रोज टीवी पे देख रहे होंगे, अखबार में देख रहे होंगे
दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जितने अगल बगल के राज्य हैं, सब किसान निकल के आ गए। दिल्ली जाने नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में पुलिस ने रोका हुआ है, लेकिन किसान कह रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, अगर किसान ये तीन कानून वापस नहीं करोगे, तो हम दिल्ली जाने वाली सारी सड़क जाम कर देंगे। और दिल्ली की सड़क जब सारी जाम हो जाएगी तो दिल्ली में सब्जी दूध कहाँ से पहुंचेगा? वो तो दिल्ली में थोड़े ना पैदा होता है, वो जाता तो सब गांव से है ना। तो किसान ने वहां पे बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है, और हम लोग के किसान नेता है अनिल मिश्रा जी, सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष भी हैं। तो हमने कहा कि पूरे देश में आग लगी हुई है, किसान आंदोलन कर रहा है, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो आज ये पहला कार्यक्रम है सोशलिस्ट पार्टी का, ये तीनों कानून जो है इसका पहला पन्ना हमारे धनपत जी निकाल के ले आए हैं। ये जो पहला कानून है जो मैंने बताया आपको, कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम, ये दूसरा कानून है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन का अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अधिनियम, और ये तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये तीनों कानून इसी साल बने, तो हम लोगों को ये कानून मंजूर नहीं है, जैसे उन किसानों को मंजूर नहीं है जो दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। और हम लोग आज इसको यहाँ जलाने का काम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे खास मेहमान आए हैं बिहार से, गौतम कुमार प्रीतम जी और राजीव यादव जी आए हैं जो तमाम आंदोलनों में शामिल रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये दोनों साथी अपनी थोड़ी थोड़ी बात रखें, फिर रविंद्र जी हैं, अगर रविंद्र जी कुछ बात रखना चाहेंगे तो ये रखेंगे, और उसके बाद हम लोग ये कानून के प्रति जलाएं। साथी, आज बिहार से हम लोग यहाँ आए हैं, आपका आपके बीच है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और आज एक ऐसी देश में स्थिति आन पड़ी है कि हर एक लोग इस सरकार से, जो ये मोदी की सरकार, योगी की सरकार है, वो किसी को नहीं छोड़ने जा रहा। अब जब देखेंगे कि सरकार यहाँ आई तो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, फिर मंदिर के नाम पे, फिर मस्जिद के नाम पे, फिर मॉब लिंचिंग, कभी जो है दलितों का कानून चेंज कर देते हैं, कभी मजदूरों का जो है 8 घंटे का ड्यूटी था उसे 12 घंटा कर दिया, ये कानून इस लॉकडाउन में बदल दिया, और इसी लॉकडाउन के दरमियान जो है किसानों का कानून ले आया है, 3-1 ऐसे कानून है जिससे किसान की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो कंपनियां हैं, जिसके बारे में अभी आपको संदीप जी कह रहे थे कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो वो कंपनी लेकर के आए थे और धीरे धीरे इस देश पर हुकूमत किया और कई सौ वर्ष तक हुकूमत किया। तो आप, हम सब लोग क्या हो रहा है कि अलग अलग जिसका जो मुद्दा होता है वो लड़ रहे हैं। अभी किसान का मुद्दा है तो इस क्षेत्र में छात्र नौजवान का, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, शिक्षा का भी मुद्दा है, कभी मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं, NRC NPR लाते हैं। तो आज एक ऐसी स्थिति में हम लोग आ खड़े हुए हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर के जो आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी देनी है, मजबूत भागीदारी देनी है और सत्याग्रह पे उतरना है। ये जो आज हम लोग सांकेतिक धरना और प्रदर्शन करेंगे, हम लोग उस कानून की प्रतियों को जलाएंगे, तो ये एक दिन का मसला नहीं होना चाहिए। जिस तरह से किसान आकर के जो दिल्ली का लाइफलाइन रोड कहलाता है वो सारे रोडों को जाम कर दिया है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, मतलब भारत के तमाम हिस्सों में आंदोलन पे लोगों को उतर जाना चाहिए। और ये इंतजार करने का वक्त नहीं है, ये खतरा इस देश के तमाम लोगों के ऊपर है। आप उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे तो लोग आए दिन संकट में हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, कौन बचा है इस देश के अंदर? प्रोफेसर लेक्चरर अगर बोलेंगे तो उसे माओवादी कह देंगे, उसको नक्सली कह देंगे, उनको पकड़ करके जेल में दे देंगे। कोई पत्रकार अगर ठीक से लिखने लगेंगे तो या तो उनको पत्रकारिता से बाहर करेंगे या उनको उठा के जेल करेंगे। तो इस तरह का जो लगातार ये चीज चल रहा है, तो पहला तो हम अपने निजी तौर से, अपने सोशलिस्ट पार्टी के तौर से और तमाम हमारे, हम जितने संगठनों से जुड़े हुए
उनकी ओर से हम जो किसान का ये आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं, और इस आंदोलन को समर्थन दिलाने में देश भर के अलग अलग हिस्सों में जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। बिहार के अंदर भी भागलपुर में, खगड़िया में, कटिहार में, पटना में, जगह जगह वैशाली, मोतिहारी, सब जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। झारखंड में भी जनतांत्रिक गठबंधन करके बना हुआ है, किसानों को के सवाल को लेकर जमशेदपुर में भी इसका ये किया गया है। तो ये जो कानून है जिसके बारे में अभी संदीप जी ने आपको बताया कि हम लोग बस एक मजदूर भी नहीं रह पाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, गुलाम। और ये कानून में देखेंगे कि जो अभी बीच बीच में कह रहे हैं कि ये जो किसान है इसे कांग्रेस ही आगे ला रहा है या कोई और ला रहा है, किसान के दुश्मन तो कांग्रेस ही भी रहे। कांग्रेस के समय में भी एसीजेड का कानून आया था, अनिल जी उसमें भी जुड़े हुए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र और एसीजेड, ये तमाम तो कांग्रेस ने लेकर आया। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कि कांग्रेस वाले अच्छे थे या भाजपा वाले अच्छे हैं, ये दोनों चोर चोर मसेरे भाई। इस देश को अब एक नई क्रांति की जरूरत है और ये क्रांति किसान, मजदूर, महिलाएं, जो शोषित वंचित लोग हैं वही लाएंगे। इसलिए हमें उस पर मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसी तरह इस देश के जो कॉरपोरेट शक्ति है, असल में देखने में लगता है कि ये नरेंद्र मोदी है, ये योगी है, बिहार में नीतीश है, अलग अलग जगह में लोग दिख रहे हैं, वो है नहीं। उसके पीछे जो ये जियो का मालिक मुकेश अंबानी है, वो फॉर्च्यून तेल खाते हैं, गौतम अडानी, ऐसे ऐसे जो कॉरपोरेट घराना है वही इस देश को कंट्रोल कर लिया डायरेक्ट रूप से। बीएसएनएल बंद हो रहा, जियो चल रहा, क्यों चल रहा भाई बीएसएनएल क्यों बंद हो रहा? रेलवे इतनी बड़ी संपत्ति रही है इस देश की, तमाम चीजों को बेची जा रही। कितना लड़ाई लड़ने के बाद जो 12 घंटा 14 घंटा गुलामी का मदवा मजदूरी हम लोग करते थे, हम लोगों के पुरखों ने किया था, उस कानून को लड़ाई लड़ करके 8 घंटे में लाया गया और सप्ताह में 6 ही दिन काम करेंगे, 1 दिन रेस्ट करेंगे। लेकिन अभी जो मजदूरों का कानून आ गया है, आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़े, करना नहीं पड़ेगा, ये काम शुरू हो गया। रेलवे में जितने भी मजदूर है, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो या जो भी हो, सब लोगों की ड्यूटी 12-12 घंटे की लग गई। अब आपके, अब हम यहाँ जो खेतिहर मजदूर है, वो जो बड़े किसानों के यहाँ भी काम कर रहे हैं, सरकारी जब 12 घंटा करता है तुमको भी करना पड़ेगा, तो फिर हमको आपस में ही अपनी लड़ाई हो जाए। ये वक्त है कि मजदूर भी संगठित होकर के लड़े, किसान भी संगठित होकर लड़े। जो छात्र को कह रहा है पकौड़ा बेचो, वो छात्र जो बेरोजगार सवाल, चाहे दलित सवाल है, लेकर के बिहार को लेकर के आंदोलन चला। और उस आंदोलन में आप देखेंगे कि हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है वो ज्यादातर रहे, और जो प्रोग्रेसिव लोग थे चाहे, लेकिन उसको लेकर के क्या हो रहा है कि आप जितना खेती गृहस्थी करने वाले हैं, कोल्ड स्टोर है आप लोगों के यहाँ, शीतक केंद्र जहाँ के आपको जाएंगे तो रहे। बिहार में आप देखेंगे क्या कि कहीं कहीं है, कहीं कहीं है, मतलब सभी जिला में गोदाम होना चाहिए। ये तो जिला है ना, तहसील है, विकास खंड है, तो यहाँ पे शीतक केंद्र है, गोदाम है, गोडाउन वगैरह सब है, अगल बगल है, अगल बगल है, पर्याप्त मात्रा में। हमको तो लगता है कि दो बात समझ में आए, वो भैया समझाए तो हो सकता है, तो चार बात समझ में आए। इसमें मेन मामला ये है कि ये कानून कि आपको कुछ कंपनियां होंगी, वो कंपनियां आपके साथ एक ठेका करेंगी या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आपके साथ कि आप अपनी जमीन को दे रहे हैं और ये फसल उपजाएंगे, और उसके बाद वो कंपनियां आपसे फसल ले लेंगी। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ, उसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए कि हमने आपको दिया पैसा और हमारा आपसे कांटेक्ट हो गया कि हम यहाँ पर आलू उपजाएंगे, हम यहाँ पर गाजर उपजाएंगे, तो हम आलू में मैं कितने क्वालिटी का आलू लूंगा, ये भी सवाल है उसमें। इस सवाल को पीछे चला जा रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि देश में लोग कहते हैं कि सरकार सरकार सरकारी काम ना होला, अब सब लोग निजी में हो जाए, प्राइवेट वाला बहुत अच्छा कर रहा है, तुरंत जाइए तुरंत कर देते हैं, 10-8 रुपया तो लेता है, नहीं 10 रुपया नहीं लेता है सर, अगर 10-10 रुपया पूरे गांव देने लगेगा तो कितना हो जाएगा, लाखों रुपया हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से वो कह रहा है कि आपको हम
इतना पैसा दे रहे हैं आलू उपजाइए और आलू दे दीजिए, बहुत आसानी से समझा। नहीं आलू इतने, इतना बड़ा हमको आलू चाहिए, इतना बड़ा आलू नहीं चाहिए, अगर ओला पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश कम हुई तो आलू आपका खराब, दूसरा वो नहीं लेगा। दूसरा कि जब आप मंडी में जाएंगे और मंडी के बाहर, मंडी के अंदर बेचेंगे तो टैक्स लगेगा और बाहर भेजेंगे तो कंपनी वाला खरीद लेगा आपसे जो है। अब क्या करेगा कंपनी, पूरी कंपनी राज जिसकी बात हो रही है, जिसके खिलाफ पूरे देश में गांधी जी ने अभी इस पर्चे में भी चंपारण का जिक्र हुआ है, यही था कि उस समय की अंग्रेज तय करते थे कि आपको क्या खेती करनी है, नील की खेती करवाई गई, नील के सब लोग जानते हैं इस बात को लेकर जो है, तो वही कंपनी राज फिर से कायम हो रहा है। तो उसमें इस बात को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या हम इस कंपनी राज के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दूसरा की बात यह है कि जैसे कि वहां पर पंजाब के किसान सबसे ज्यादा वहां पर हैं, तो ऐसा और एक एक भी माहौल बनाया जा रहा कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है, नहीं आज वहां से राजस्थान में भी पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं, वहां से भी लोग आ गए हैं, हरियाणा के भी लोग चले हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, महाराष्ट्र से भी लोग हैं, तो मतलब कि ये आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन धीरे धीरे बनता जा रहा है। और जो बात अभी गौतम भाई बात कह रहे थे इस बात को लेकर कि जैसे एनआरसी और सीए वाला जो पूरा नागरिकता वाला आंदोलन था उसमें भी यही मामला था कि नागरिक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मतलब मान लीजिए हमारा आप नाम लिख लीजिए कि आप नागरिक रहेंगे और हम सब से सब आपसे अधिकार हम छीन लें तो क्या कोई नागरिकता बची है, नहीं बची है। अभी एक चीज और भी हो रहा है, अभी सरकार ने लॉकडाउन पीरियड में जो राशन कार्ड बने हैं उसकी समीक्षा करा रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जिन लोगों ने बहुत लोगों ने हमने फर्जी तरीके से राशन ले लिया, लेकिन सरकार इस बात की कोई समीक्षा नहीं करवा रही है। सरकार ने कहा था कि जो जो प्रवासी आएगा उसके खाते में 1,000 रुपए डालेंगे, उसको राशन किट देंगे, कितना राशन किट आपको मिला? नहीं मिला, 1,000 रुपया नहीं मिला। और उसके बाद सरकार ने एक और, मोदी जी ने बिहार चुनाव को लेकर एक एक योजना लाई कि 4 महीने तक जो है 1,000 रुपया सबको मिलेगा। आप उसकी समीक्षा क्या कर रहे हैं, देखिए सबके खेते में, तो उसकी समीक्षा नहीं करवाई, लेकिन आपके आपको जो उन्होंने राशन कार्ड पे राशन दे दिया है उसकी समीक्षा करवा रहे हैं। तो मतलब कि आपको चोर सरकार हर वक्त में ठहरा रही कि आप चोर, चोरी करते हैं, चोर हैं, है? और ये पूरा कानून भी जो है बेसिकली यही कर रही है सरकार कि जो किसान लोग हैं, जनता है, ये चोरी करती है, अब इसकी इसकी चोरी से हम नहीं निपटते हैं और हम पुलिस की जगह एक कंपनी वाले को ला करके खड़ा कर दे रहे हैं, अब ये चोरी से ही निपटेगा जो है। और वो चोरी से कैसे निपटेगा, मतलब आपको फिर से इस देश में आपको गुलाम बनाया जाने की कगार पे डाला जा रहा है। दूसरा कि इसमें जो इस महत्वपूर्ण बात इसमें भैया ने लिखा भी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हम राशन की बात कर रहे थे, इस पूरे कानून में उस पर कोई जिक्र नहीं है और धीरे धीरे करके अब देखिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग लगभग खत्म कर दी गई है। लोगों को राशन जैसे दे रहा है कि जैसे लगता है कि राशन नहीं दे रहे हैं, जैसे हमारे पर एहसान कर रहे हैं कि हमको राशन दे रहे हैं। अरे भाई हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन में तय हुआ कि हमारा रोटी कपड़ा मकान, जो सोशलिस्ट पार्टी के एजेंडे में भी है कि रोटी का मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये इसके राजनीतिक, इस देश में हम जब पैदा हुए हैं इस देश में तय हमारे साथ ये बात हो गई है, एक हमारा एक समय समझिए एक समझौता हो गया है कि हम आपके यहाँ पैदा हुए तो आप हमको देंगे, नहीं जैसे लगता है, लेकिन गवर्नमेंट लगता है जैसे एहसान कर रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं उसमें धीरे धीरे करके करेंगे। और दूसरा मामला है कि पंजाब का किसान ही मान लीजिए लड़ रहा है, लेकिन पंजाब का किसान इसलिए लड़ रहा है कि आज जो आप 25 रुपया 30 रुपया किलो आटा खरीदते हैं, 100 रुपया किलो आपको नहीं खरीदना पड़े, क्योंकि इसमें एक बड़ा मामला ये भी है कि जो रेट है वो कंपनियां धीरे धीरे तय करने लगेंगी। अब सिंपल सोचिए कि अभी भी हम लोग जब अभी जाइए कि यहीं पर जाइए आप जो है आटा खरीदने के लिए, तो कितने रुपए किलो आटा है, 20 रुपया 25 रुपया। आप रामदेव का आटा खरीद लीजिए जाके,
रामदेव का आटा महंगा आटा है, है? उसी तरह से एक बिजलेरी की बाटल आती है, है? पहले यहाँ पर कोको कोला के खिलाफ संदीप जी ने बड़ा आंदोलन किया है, माने जो पानी फ्री में मिलता था उसका 20 रुपया बॉटल, और वो भी बिजलेरी या फिर नॉर्मल वाला जो बेचते हैं सब, और उसमें भी कई कंपनियां आई हैं, वो 60-70 रुपया 100-100 रुपया बॉटल बेचती है। तो मतलब कि जो भी कह रही सब कंपनी तय करेगी, मतलब कि जो पंजाब का किसान है वो इसलिए लड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक बात हो रही है कि यार हम तो किसान है नहीं, हमारे पास तो खेत नहीं, हम तो मजदूर हैं, हैं? और हम मजदूरी करते हैं, और खाते हैं, हम कहे जाए किसानों को लड़ने के लिए, नहीं आप किस लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप जो पैसा कमाएंगे जब आप कहीं जाएंगे बनिया क्या खरीदना पैसा देंगे जो है, तो आपको आटा जो 25 रुपए किलो आटा है वो अगर 100 रुपए किलो आटा मिलने लगेगा तो आप खा पाएंगे, जी पाएंगे, मारे भुखमरी के कगार पे सब लोग आ जाएंगे। तो एकदम मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, ये पूरी लड़ाई आपको सरकार ने चोर बना दिया है, और कह रही है कि हम आप जितना भी तय करेंगे आपको देना पड़ेगा, और जो आज पंजाब के किसान लड़ रहे हैं उसके साथ हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा। और जो इस बात गौतम भाई अनिल भाई जी कह रहे हैं लगातार कि हम लोग जिस तरह से किसान एक दौर में याद कर दिए कि जलिया वाला बाग बना था, है, और वहां पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी, है, और इतने लोग मारे गए थे, और हम लोग कहते हैं कि जलिया वाला बाग जहां था जहां चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियां। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, संदीप जी बता रहे थे कि हसरत मोहानी साहब यही बगल के थे, माने इंकलाब जिंदाबाद का नारा जिसके नाम पर ये देश आजाद हुआ वो नारा आपके बगल से निकला। तो मुझे लगता है कि जलिया वाला बाग की तरह हम हर जगह पर किसान बाग बनाएं इस देश में, तो शाम को ही 2-3 घंटा ही बैठे, पूरा दिन बैठे, और इसके पूरे आंदोलन को मजबूत करें। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए अनिल जी आप बोलिए फिर। माननीय संदीप जी और हमारे लखनऊ से और बिहार से आए साथीगढ़ अतिथिगढ़, आप सब साथियों जो साथ में काम कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, सबका स्वागत। साथियों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, समस्या तो बहुत बड़ी है, और स्थिति यह है कि आर्थिक विषमता में तुमको फंसाकर बार बार नारे लगाकर और डिवाइड एंड की तिकड़म लाकर धोखे और छदम से शासन पे चाकर ये शासकीय ताना बाना तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जराओ कर दो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, और तुम भी तो अपनी किस कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें। दिन रात मेहनत से जीना चुरा कर, तपत में बर्फ में तन को खपा कर, न कभी पहन कर देखा न कभी खा कर, निष्ठुर समाज की आंख तेरे बंद है, जुल्म सहते जाना तुम्हें लूटता है, किसानों में जरूर कराओ। बहुत बड़ी लड़ाई है, और हम तो ये कहेंगे सारी बातें हमारे साथियों ने बताई, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब इंदिरा जी ने 67 में लेवी के भाव निश्चित किए उस टाइम, ये सन 67 का किस्सा है, तो जब लेवी के भाव निश्चित किए गए उस टाइम 76 रुपए किलो गेहूं था और 40 पैसे लीटर डीजल था। भैया लड़ाई तो हमारी ये है जो असली लड़ाई है, और जिस पर हमारी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही और देगी भी नहीं, इसलिए कि हम संगठित नहीं है। आर्थिक विषमता में तुमको पता, छोटा और बड़ा और गरीब किसान को बहुत तगड़ा बांटा गया, ये बंटवारा है पूरे देश के अंदर, और समस्या ये है कि 40 पैसे लीटर डीजल था और 76 रुपए किलो गेहूं था, 1 किलो गेहूं में लगभग 2.25 लीटर उससे कुछ ज्यादा आई तेल ले लेते थे, 1.25 क्विंटल में एक साइकिल मिल जाती थी, 1 क्विंटल में 1 क्विंटल सरिया मिल जाता था, 1 क्विंटल गेहूं में 2,350 गुम्मा मिल जाता था, ये परिस्थिति है, और सबके भाव बढ़े। दूसरी तरफ कर्मचारी जितना सोना अपनी तनख्वाह से खरीदते थे, मुद्रा की कीमत सोने से आंकी जाती है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, किसान की 19 गुना कीमत बढ़ाई गई और कर्मचारी की 125 गुना। ये एक लड़ाई है देश के सामने, ये हम सब की लड़ाई है, और जो अपने घरों में बैठे हैं उनकी भी लड़ाई है,
क्योंकि तुम्हारी कीमत तो 19 गुना बढ़ी है और कर्मचारी की 125 गुना। हम देश में कहां टिक सकेंगे? सवाल तो यह है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं शासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि प्रिय शासकों, जरा छाती पे हाथ रख के देखो और इन तपस्वियों की सी तपस्या जरा करके देखो, माँ कूस के कड़े शीत में चरखी में गन्ना लगा कर देख के देखो, मई जून की कड़ी धूप में फावड़ा कभी खुद उठा करके देखो, और जलते दिलों पर खड़े ही खड़े शुष्क रोटियां कभी बिना पानी इनके साथ खा करके देखो, दो इनको न्याय वरना आती हैं क्रांतियां, शोषितों के सब्र का बांध जब टूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, तुम भी तो अपनी कीमत को समझो। अब जो जातिवाद करते हैं हमारे साथ नहीं आएंगे, जो आज ये निशाना लगाए हैं कि भाजपा जीत जाए वो हमारे साथ नहीं आएंगे, भाग रहे हैं। हमारे साथी धनपत भी रहे भाजपा में, बुरा नहीं लगता, खैर कोई बात नहीं, और रहे क्योंकि हमारे साथ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उधर शिकार बनाते हैं। हकीकत सत्य है, हमने कहा ठीक अच्छा किया, फोटो भी आई थी धनपत भैया की, लेकिन साथ हमारा नहीं छोड़ेंगे, ये है तो हम खुश हैं। जगतपाल का भी यही हाल है और वीर बहादुर लंबरदार भी गायब है, आ गए लंबरदार गुस्सा है और ये कुछ कहना चाहते हैं भैया के सामने, आ जाओ ये इनसे बात करिए। और सवाल ये है कि जो आपके साथ नहीं है उनकी भी लड़ाई लड़नी है, समस्या तो ये बैठ रही है, उनकी कर्मचारी की 100-100 गुना कीमत बढ़ी है और किसान की 19 गुना, आर्थिक मारे गए हो, रेत दिए गए हो, जो घर में बैठेंगे उनकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए कमर बांधो और एक बात ध्यान रखो, ये बिल्ला हमने पुतान भाई को दे दिया है, ये जिम्मेवारी दे दी है, रसीद भी दे दी है, एक एक मेंबर एक एक आदमी बना ले, एक बढ़ाक जरूर लाओ, और तुम 50 लोगों को करिए वहां अपने यहाँ मियांगंज ब्लॉक में, वो खड़ा करिए और खड़ा करके देखो, फैसला जनता के हाथ में है। ये बॉबी जी का टाइम, अच्छा अच्छा, फैसला जनता के हाथ में है, आप अगर संगठित होकर लड़ेंगे तो अधिकार आपके कदमों पर होगा। और जिसने अपनी लड़ाई लड़ी, कर्मचारी जब मास्टर हड़ताल करता है तो मास्टर पूरा हड़ताल पर चला जाता है, किसान ही एक ऐसा तबका है जो संगठित होकर नहीं आ रहा है। हमने उनको समर्थन दिया है, आज हमने लिखकर भी दे दिया है, जिलाधिकारी को, सीओ को भी लिखा है और यहाँ थाने को भी, इन सबको लिख दिए हैं, एसडीएम को लिखा है, ये लिखा है कि ये बिल जो किसानों के विरोध में आया है, भाई सवाल तो ये है, एमएसपी की जो बात आ रही है तो ये तो बहुत छोटी बात है, बात तो यह है किसान आयोग गठित होना चाहिए, तमाम लोगों के झगड़े हैं जिनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं, जमीन संबंधी लोग पीड़ित हैं और ये व्यवस्था साथ नहीं दे रही है, यहाँ की जो मशीनरी है वो साथ नहीं दे रही है किसान का, तो कम से कम आयोग में वो अपना मामला तो रख सकता है, लेकिन जब किसान आयोग गठित नहीं है तो किसान जाए कहाँ और वो अपनी बात किससे कहे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आयोग हमारा गठित हो किसान का, जो मुख्य प्रमुख मांग है हमारी। और दूसरा ये है कि जो एमएसपी लागू करने की बात है वो तो बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि जब निर्धारित रेट नहीं होगा तो मनमानी खरीद होगी, मनमानी हो रही है, और ये गवर्नमेंट जो है जिसको हम लाए, हमसे मतलब है जनता लाई, हम आप सबने उनको हवा दी, कोई कोनो पास कोनो भाजपा वाला कबो ऐसे मीटिंग कराओ थे, तो जब नहीं आओ तो उसका वोट कह देते हो, सही बात। सवाल तो ये है कि जो तुम्हारा साथ दे उसका आप साथ दीजिए, ये खत्म होंगे नए बहुत तुम्हारा बिरादरी पूरी रही है, जो हम नए मानव लोध बिरादरी जिले की और इनकी भैया के कबील बिरादरी, या कसम खावा है या आईस परिस्थिति है, हम पूरे क्षेत्र देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जिले का, लेकिन ये धीरे धीरे ही है या मजबूरी है, आईस नहीं है, ठीक है अनिल जी, तो ठीक है भैया अपनी वाणी को विराम चाहते हैं, बात तो बहुत कर रही है, तुम्हारे हर तरफ हक मारे गए हैं और शोषण किया गया है, सवाल तो यह है कि अगर उनसे हम हिसाब करें किसान का तो सरकार हिसाब नहीं दे सकती 67 के फैसले के मुताबिक, और हिसाब बाप बेटे का राजा होता है, हिसाब होना चाहिए, तो वो हिसाब नहीं कर रहे हैं, हमारा तो हिसाब चाहिए कि इतने दिन से जो हमें घाटा दिया गया उसका जिम्मेदार कौन होगा। और वाणी को विराम चाहते हैं, एक बार किसानों के लिए नारा मार दो, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जय जवान।
धन्यवाद साथियों। अब हमारे रविंद्र भाई कुछ बात रखेंगे और उसके बाद हम लोग ये प्रतियां जलाएंगे और हम चाहते हैं कि तीन महिलाएं जो हैं इसको लें और इसको जो है कुछ माचिस वाचिस है कि नहीं ठीक है रविंद्र। ये जो कानून है अभी हमें आप लोगों को बहुत कम समझ में आ रहा है, इसके फैक्ट जो है बाद में पता चलेंगे, अभी तो छोटे मोटे फैक्ट पता चले इसके बाद में। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते थे पहले तो एक 5 रुपए का 10 रुपए का रिचार्ज आता था, ठीक है, उसमें इनकमिंग होती थी, है ना। जब से जियो ने खरीद लिया है इसको, अब आप 350 रुपए का आप रिचार्ज कराएंगे तभी मोबाइल चला सकते हैं, वैसे नहीं चला सकते। उन्होंने अपना रेट जो है निर्धारित कर रखा है, इसी तरह ये भी बढ़ाते चले जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे देंगे और आप लोग सब इस तरीके से बिक जाएंगे। ये जो आज चल रहा है, बड़ी बड़ी अडानी अंबानी इन सबको ठेके दिए जा रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा गैस फ्री बंटवा दी, बोले हम तो गैस फ्री बंटवा दे रहे हैं, फ्री क्या था उसमें, कुछ भी फ्री नहीं दिया आप, उसका जो है पैसा घुमा फिरा के लिए आपके भाई, 6 महीने की आपकी सब्सिडी नहीं आएगी। अब सब्सिडी वाला भी सिस्टम उसने पैदा कर दिया, पहले तो 300 रुपए का सिलेंडर मिल जाता था, अब 700 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 800 रुपए का मिल रहा है, हमारा ही पैसा अब बैंक में जाएगा, फिर बैंक से हम उस पैसे को लेंगे। तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ा और बनाने के लिए, क्योंकि उनसे वो फंड लेते हैं तब वो अपनी सरकार चलाते हैं, इसलिए उनको और आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा आपका पैसा सरकार ले रही है और सरकार जो है हमारे ही खिलाफ काम कर रही है। तो आज हमें इस बात इन सब बातों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी रेलवे में देखिएगा आप कितनी ट्रेनें बंद चल रही है, कोई भी पैसेंजर ट्रेन इस वक्त कहीं भी नहीं चल रही, कोई बता दे पैसेंजर ट्रेन चल रही हो किसी भी क्षेत्र में, सारी एक्सप्रेस ट्रेन है, वो भी VIP लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं, हम लोग तो पैसेंजर से चलते थे ना, तो पैसेंजर ट्रेनें क्यों नहीं चल रही। ये किसानों की तो किसान ही तो जाते थे उन ट्रेनों। अब आप हम सब इन सब मुद्दों को लेकर के रखेंगे और कहेंगे सरकार से कि अब की बात जो है मोदी को हम नहीं वोट देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, अगर देंगे तो फिर हमारा आपका समझ लीजिए बंटा दा रहे है। आज 3 कानून लाए फिर 6 कानून लाएंगे, हमारे खिलाफ ही तो है ये सारे कानून। तो आज हमें आप लोगों को समझना है, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। कुछ बोलना चाह रहे हैं अजय भाई गाजियाबाद से आए, कुछ बोलना चाह रहे अजय भाई इधर, अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें, ये क्योंकि हमें ये 2:30 बजे तक लाइव चलेगा, फिर ये समय हो जाएगा, इसको जला ले फिर आप बोलिए, इसको जला ले फिर आप। सुषमा इधर आओ, सुशीला एक आए और एक कोई और आए, और एक आदमी कोई माचिस लेके, पीढ़ी वाले सुषमा तुम अपना झोला वाला रख, इधर के दे दा, फोटो ले ले। वापस लो। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, किसानों को मजबूर बनाने वाली मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान का घाटा कॉर्पोरेट का मुनाफा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसान का घाटा और कंपनी का मुनाफा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाओ, अधिकार बनाओ, अधिकार बनाओ, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, जब जब धरती पर किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर किसान रहेगा, आवाज दो अमेर, आवाज दो अमेर, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी सरकार शांत करो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, हम सब किसान हैं, हम सब एक हैं, एक हैं, हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, काला बाजारियों पर नकेल कसो, नकेल कसो, काला बाजार पर नकेल कसो, नकेल कसो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, पंजाबी किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान विरोधी कानून वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा, किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा, वरना तुमको कदी छोड़ना होगा, वरना तुमको कदी छोड़ना होगा, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान विरोधी कानून वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान एकता जिंदाबाद, किसान नौजवान एकता जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, जमाने वाला आएगा, जमाने वाला आएगा, जमाने वाला आएगा, लूटने वाला आएगा, अरे लूटने वाला आएगा, अरे लूटने वाला आएगा, नया जमाना आएगा, अरे नया जमाना आएगा, नया जमाना कल लाएगा, हम लाएंगे, हम लाएंगे, नया जमाना कल लाएगा, हम लाएंगे, हम लाएंगे, देश के किसान जिंदाबाद, 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 मजदूर किसान जिंदाबाद, और हाँ, आज का जो हमारा किसान को लेकर के समर्थन में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम था, यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम लोगों ने जो कानून के तीन कानून है, उन तीनों कानून की कॉपियों को जलाया है। किसान के आंदोलन के साथ पूरे देश भर के सोशलिस्ट पार्टी सहित जितने भी संगठन हैं, हम उनके साथ हैं।
और अपने यहाँ पर जो है कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त।